तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद निगी जी में। तो दोस्तों, इस साल 2024 में चारधाम यात्रा की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और अगर आपको भी चारधाम यात्रा पर जाना है तो अपने लिए रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। बिना रजिस्ट्रेशन के आपको वहाँ पर एंट्री नहीं दी जाएगी, और रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं और ऑफलाइन भी। इसके साथ ही साथ दोस्तों, हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। करीब 2-3 महीने तक एडवांस बुकिंग भी हेलीकॉप्टर की हो चुकी है। तो अगर आपने कर लिया है तो अच्छी बात है, और नहीं किया है तो कई लोग आजकल एक लालच दे रहे हैं कि आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखा होगा, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, कि हम आपका हेलीकॉप्टर बुक करा देंगे तत्काल में, और आपको चार्जेस देना पड़ेगा कुछ, और कुछ एडवांस मांग रहे हैं ये कि इतना रुपये एडवांस दे दीजिए ताकि आपको फिर हम टिकट दे देंगे। तो ये सब फ्रॉडिंग चल रही है। तो किस तरह की फ्रॉडिंग इस टाइम पे हो रही है हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पे, ये सब जानने के लिए हम चलते हैं हरिद्वार की ही एक ट्रेवल एजेंसी में, और उनसे बात करते हैं कि क्या प्रोसेस रहती है हेलीकॉप्टर की बुकिंग की, और क्या क्या फ्रॉड इस टाइम पे लोगों के साथ हो रहे हैं। तो दोस्तों, हम आए हैं भैया के पास और यहाँ पे जानेंगे भैया से कि क्या ये हेलीकॉप्टर की भी बुकिंग करवाते हैं चारधाम यात्रा के लिए। तो भैया, क्या आप भी चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर बुक करवाते हैं? नमस्कार सर, द्वारकानाथ ट्रैवल से मैं परेश ननावटी हरिद्वार से। खास करके मैं ये बात बताना चाहूँगा कि जो सर ने हमसे बात छेड़ी हेलीकॉप्टर की, तो मैं बताना चाहूँगा हेलीकॉप्टर के नाम पे हो रहा है करोड़ों का घोटाला। कैसे कि हेली सर्विस और अलग अलग कंपनियों की फर्जी वेबसाइटें बना के फेसबुक इंस्टाग्राम में डाली जाती है, उनके माध्यम से व्हाट्सएप कॉल की जाती है, व्हाट्सएप कॉल के द्वारा आपसे संपर्क किया जाता है, आप उनकी बातें सुनते हैं, आप उनको आइडिया देते हैं, आईडी देने के बाद बोलेंगे आप एडवांस पेमेंट डालिए, आपको टिकट बना के देंगे 1 दिन में 2 दिन में। तो मैं बताना चाहूँगा कि यात्री सावधान नहीं बरते, ऐसे ऐसे कोई टिकट बनती नहीं है, किसी भी ऐसी फर्जी कंपनियों का भरोसा बिल्कुल ना करें। आप अगर किसी ट्रैवल एजेंट को या अपने शहर में किसी टिकट बनाने वाले को जानते हो तो उनका भरोसा जरूर कीजिए, लेकिन फेसबुक इंस्टाग्राम में जो भी वेबसाइटें चलती है उनका विश्वास ना करें, नहीं तो आपके साथ हो सकता है धोखा। पिछले साल करीबन 12-15 करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है एरी के नाम पे, और इस साल भी ये लोग तत्पर है आपको लूटने के लिए। तो सावधान नहीं बरते और अपनी यात्रा सुखमय करें। तो अगर किसी को करना हो तो वो कैसे कर सकता है लीगल तरीके से? मतलब लीगल तरीका तो सर ये है कि IRTC वेबसाइट के द्वारा टिकट बनती है। इस साल की इन्होंने जो प्लानिंग चेंज करी उसके हिसाब से 20 अप्रैल को टिकटें खोली गई थी, और 20 अप्रैल से सॉरी 10 मई से लेकर सितंबर तक की टिकट एक साथ खोली गई थी, और अभी सारी टिकटें फुल है। अब इसमें ये दूसरा प्लान ये डाल सकते हैं कि तत्काल टिकट अगर खोल सकते हैं, जैसे रेलवे में रूल्स है कि आपकी यात्रा के 2 दिन पहले अगर खोले, या तो ये हो सकता है, या तो फिर ऑफलाइन की टिकट है जो काउंटर पे बनेगी, आपको हेली सर्विस जहाँ पर है वहीं पर काउंटर पे बन सकती है ऑफलाइन टिकट। अच्छा, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो फर्जीवाड़े से बच जाएंगे। हाँ जी, इस तरह से आप टिकट बनवाएंगे तो फर्जीवाड़े से भी बचेंगे और आपकी यात्रा सुखमय रहेगी, क्योंकि कई कंपनियां ऐसी भी है कि आपसे आज एडवांस लिए 10,000 5,000, उसके बाद आपको फर्जी टिकटें दे रहे हैं। ऐसा भी मामला हो सका है कि फर्जी टिकट बना के दे रहे, आपको जब हेली पे पहुंचोगे तब पता चलेगा कि ये आपकी टिकट फर्जी है। तो सावधान रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।